आज के दिन प्रस्तावित दिल्ली चलो किसान आंदोलन एक आफत का सबब बनता जा रहा है, और ये आफत जहां केंद्र सरकार और दिल्ली देश की राजधानी के लिए बन रहा था, तो वहीं अब हरियाणा प्रदेश की आर्थिक नगरी गुरुग्राम यानी साइबर सिटी के लिए भी बनता जा रहा है। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लंबा जाम है वो लगना शुरू हो गया है, और ये जाम पीक आवर में लग रहा है। 8, 9 और 10 बजे का जो समय होता है उसको कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राजमार्ग के मद्देनज़र पीक आवर माना जाता है, क्योंकि ये सरहोल बॉर्डर है। गुरुग्राम और दिल्ली के मध्य की लोकेशन, इसको सरहोल बॉर्डर कहा जाता है, जहां पर एक तरफ जो ऊंची ऊंची इमारतें आप देख रहे हैं वो हरियाणा के अंदर यानी गुरुग्राम के भीतर आती हैं, उसके अंतर्गत आती हैं, और दूसरी ओर इमारतें अगर आप देखेंगे तो वो सभी जो है दिल्ली के इलाके में आती हैं, और उसके बीच का जो मध्य का जो हिस्सा है उसको कहा जाता है सरहोल बॉर्डर। और इस जगह पर आप देख सकते हैं कि वाहनों के जो पहियों की रफ्तार है वो थम सी गई है, क्रेन यहाँ मंगाई गई है, बैरिकेडिंग यहाँ की गई है, साथ ही साथ मिट्टी से भरे ट्रक को यहाँ पर खड़ा किया गया है। मेरे साथ ट्रक चालक भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर कितनी परेशानी होती है ऐसे अचानक हुए आंदोलनों से, कितनी समस्या जो है जो प्राइवेट कमर्शियल व्हीकल चलाते हैं उनको आती है। नाम बताइए अपना। सर मेरा नाम चंद्रशेखर है। चंद्रशेखर जी, आपने अपना ट्रक यहाँ लेकर आए हैं, किसके कहने पर लाए हैं, किस लिए लाए हैं? जी मैं गुरुग्राम से दिल्ली जा रहा था, परसों की बात है, तो पुलिस प्रशासन ने मेरा गाड़ी यहाँ पर रोक कर रखा है और मेरा डॉक्यूमेंट भी जमा कर रखा है। अब देखो सर यहाँ से कितने काम छोड़ने की प्रयास करते हैं ये लोग। क्या कह करके डॉक्यूमेंट जमा हुए हैं आपके, क्यों रोका है आपको, क्या कहा है कि क्या करना है आपको? बोले प्रशासन बोला यहाँ पर किसान आंदोलन चल रहा है इसलिए आपको मैं रोक रहा हूँ। जी तो अब गाड़ी, अगर किसान यहाँ आ जाते हैं तो क्या आदेश किया गया है कि गाड़ी आपको सड़क पर इसी तरीके से खड़े रखनी है या फिर पूरा बंद कर, बैरिकेड की तरह ही आपको भी बंद कर देना है? वो तो सर शासन करेगा, जो बताएगा वो करना पड़ेगा। मतलब कि जो पुलिस कहेगी, दिल्ली पुलिस कहेगी, उस तरीके से आपके ट्रक को एक तरीके से ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने की बात है। जी जी, तो ये ट्रक चालक हैं जो कि गुरुग्राम से दिल्ली की तरफ जा रहे थे, इन्होंने कहा है कि इनके कागज़ों को दिल्ली पुलिस द्वारा ले लिया गया है, और इसके ट्रक को समय आने पर ढाल की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आप समझ सकते हैं कि नेशनल हाईवे 48 है यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 48 है, और इस जगह पर लंबा जाम है, और ऐसे में स्थिति ख़राब होती है, किसान इस तरफ से आते हैं, रेवाड़ी तरफ से आते हैं, तो इस जगह पर इस ट्रक को सीधा लगा दिया जाएगा, यानी कि सड़क को बंद करने का काम जो है ये जो ट्रक है वो करेगा। मगर इन तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा आफत का सबब बनता जा रहा है ये दिल्ली चलो किसान आंदोलन। हालांकि 2021 में भी इसी तरीके से किसान आंदोलन हुआ था, मगर ऐसे में उसमें सभी मांगों को मानने की बात जो है केंद्र सरकार ने कही, और ऐसे में वो आंदोलन समाप्त हो गया, मगर एक बार फिर ये आगाज़ हुआ, और उस आगाज़ के बाद अब ऐसे में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारें कितनी तैयार हैं ये आने वाला समय ही बता पाएगा। मगर आज होने वाली इस बैठक का, जो कि बैठक और चर्चा जो आज होगी, उसके बाद ये तय हो पाएगा कि आखिर ये आंदोलन आगामी क्या रणनीति तय करता है या फिर आज ये आंदोलन को ख़त्म कर दिया जाता है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, ABP News।